बड़ा इंटरेस्टिंग एक सवाल मेरे जहन में आता है। आपने फरमाया कि अकलीतों को हर तरह का तहफ़ होगा, उनको अपनी इबादत खाने बनाने का इजाज़त होगी, उनको इबादत करने की इजाज़त होगी, लेकिन तबलीग की इजाज़त इस्लामी ममालिक में नहीं होगी। नहीं सही, ये क्यों? अब देखिए, हम भी तो एक गैर मुस्लिम मुल्क में बैठे हैं, हम यहाँ पे मस्जिदें भी बनाते हैं, सही हमारे यहाँ पे तबलीगी जमात वाले भी आते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं कि आओ जी मलिक साहब, चल के 10 दिन बिल्कुल हमारे साथ तबलीग करो। बिल्कुल हम यहाँ पे पूरी तरह तबलीग कर रहे हैं, सही। ये हमें इजाज़त देते हैं, हम क्यों इनको इजाज़त नहीं देते? बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। असल पहली बात तो कि खुद इनके मजहब में, इस चीज़ की छूट है अच्छा कि ठीक है आप जो है वो करें, और लेकिन हमारे मजहब में इसकी इजाज़त नहीं है कि आप अपनी दावत दें। उसकी वजह यह है कि असल में मजहब इस्लाम, इस्लाम को समझने में आज की दुनिया ने गलती की है। इस्लाम की सलामती और ईमान के अमर को पहचाना नहीं है। जैसे मैंने बताया कि आपके लिए ये चीज़ बड़ी सरप्राइजिंग है कि अकलियतों की कितनी आज़ादी हैं, इतनी आज़ादी है कि यहाँ तक कि वो अकलियतें शराब की तिजारत कर सकती हैं, शराब पी सकती हैं, पिला सकती हैं, उनको तिजारत तक की इजाज़त है। इवन खंजीर की तरह तिजारत की इजाज़त है, तो खंजीर यानी खाने की इजाज़त है। अलबत्त इतनी शर्त लगाता है इस्लाम कि आप खंजीर उस आबादी में से लेके ना गुजरें जो मुसलमानों की आबादियाँ हैं, और आजकल तो इसकी ज़रूरत पेश नहीं आती है। मतलब पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान में बड़े डब्बों में पैक होकर खंजीर का गोश्त गैर मुस्लिमों के पास पहुँच गया और उन्होंने खा लिया, तो इस्लाम इजाज़त देता है। वाह, अब आप सोचें खंजीर का लफ्ज़ तो पाकिस्तान में तो आग लग जानी। जी हाँ, ये तो बलवा हो जाएगा, बलवा हो फायर जाएगा। जलाए जाएंगे इस मैं ये पे। कह रहा हूँ, ये लाइलमी है, ये लाइलमी है, इस्लाम की वसत से नावाकफियत है। और ये वजह है कि मुझे अब ख्याल आता है कि पाकिस्तान में बाज़ एक शराब खाना एक गली कूचे में चल रहा है तो जनाब फटा हो जाता है, वहाँ हंगामा होकर देखो जी और नवाज शरीफ का दौरे को शराब खाना चल रहा है। हालांकि वो किसी ईसाई का होगा, ईसाई ईसाइयों के लिए खोल के बैठा है, मुसलमानों को बेचने की उसको इजाज़त नहीं है, वो क्राइम होगा। लेकिन अब उसको आपने इतना हाईलाइट मीडिया ने कर दिया तो हंगामा हुकूमत के ऊपर, ये पता नहीं भाई अकलियत शराब पीने वाली भी मौजूद हैं, है मैंने बताया खंजीर तक का जुजिया मौजूद है। तो ये सारी जो है ना इस्लाम की वसत है, तो इस्लाम को पहचाना नहीं। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का ऐसा खौफ फैल गया और एक ऐसी दहशत कि इस्लाम का मतलब ये कि दहशत गर्दी जो है वो दुनिया के अंदर आम हो जानी है और लोग खौफ ज़्यादा होते हैं कि नहीं नहीं इस्लाम ना आ जाए। अब अमेरिका में वो कहती है यार शरीयत कहीं नाफिज ना हो जाए या इस्लामाइजेशन ना हो जाए, बस बस पे तबाही आ जाए। हालांकि इस्लाम की सलामती को मैंने बताया कि मौजूद होते कि तसल्लुत हासिल है इस्लाम को, फिर भी अकलियतों के साथ तहफ़ का आलम ये, उनकी माशरती इतनी आज़ादी है कि वो अपनी माशरती आज़ादी में तो हमें कोई इख्तियार ही नहीं है। यानी माशरती आज़ादी में जैसे चाहे निकाह करें, तलाक दें, हिबा करें, वक़्फ करें, यहाँ तक कि इस्लाम में जिन औरतों से निकाह हराम है उनके मज़हब में अगर इजाज़त है तो वो निकाह कर सकते हैं। इद्दत में निकाह करना इस्लाम में हराम है, उनके मज़हब में इद्दत में निकाह की इजाज़त कर सकते हैं। यानी माशरती जो है वो कवानीन में तो बिल्कुल ही आज़ाद कर दिया। हाँ अलबत्त माली कवानीन में मैंने बताया पाबंदियाँ लगा दी कि सूद उनके लिए वो करने की इजाज़त नहीं होगी, लेकिन मैंने बताया खंजीर और शराब उनको बेचने तजारत करने की इजाज़त होगी। हाँ अलबत्त मुसलमान आबादियों के अंदर से खंजीरों को लेके ना गुजरें। अब बताइए, अब ऐसी आज़ादी पॉसिबल? फिर फौजदारी जो कवानीन है, फौजदारी और ताजीरी कवानीन में बता दिया कि उनको जो है उसी तरह के चोरी डाका जुल्म के नतीजे में उसी तरह की सजाएं दी जाएंगी जो इस्लाम में है, लेकिन उनको संसार नहीं किया जाएगा क्योंकि संसार करने के लिए एहसान की शर्त है और एहसान जो है वो गैर मुस्लिम में पाया नहीं जाता, वो मोहसिन नहीं बन सकता, लिहाजा उसको संसार की भी इजाज़त नहीं है, सिर्फ उसको भी 100 कौड़े मारे जाएँ, यहाँ तक फरमाया। अब इससे आप अंदाज़ा करें कि इस्लाम ने कितनी या इसको सहूलतें दी हैं गैर मुस्लिम को, लिहाजा ये कहना कि भाई वो इस्लाम के अंदर वसत नहीं, तो इस्लाम में इतनी वसत है कि इसलिए इस्लाम ने कहा कि ज़रूरत ही नहीं है। फिया कुतुबुन कय्यमा, इस कुरान में सारे मज़हब बंद हैं, लिहाजा इस्लाम अगर मौजूद है वहाँ पर, अब अगर ईसाई अपनी इबादत खानों में इबादत करती है बस आपको इजाज़त है, अब आपको दावत देने की इजाज़त नहीं क्योंकि आपकी मिसाल तो चराग की और यहाँ पर तो सूर्य निकला हुआ है तो सूर्य के सामने चराग दिखाना इसकी अकल भी इजाज़त नहीं देता। इसे इस्लाम की छतरी होते हुए आपको अपनी दावत देने की इजाज़त नहीं, हाँ अपनी ख्वाहिश पर अपने मजहब को फॉलो करने की इजाज़त है। सुभान अल्लाह, थैंक यू वेरी मच मौसी साहब।